हमारा देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है तो देश के शहर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, और उन्हीं कुछ शहरों में से एक खूबसूरत शहर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में है, आज काफी तेजी से डेवलप हो रहा एक शहर है। भारत के ईस्टर्न रीजन को अगर हम देखते हैं तो सिलीगुड़ी और गुवाहाटी दो ऐसे शहर हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सिलीगुड़ी की खास बात है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसके कारण ये शहर कई मामलों में एक इम्पॉर्टेंट शहर बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ने वाला ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि जोड़ता है भूटान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश को। वहीं ये शहर सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्शियोंग जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए भी एक लाइफलाइन के रूप में काम करता है। इतना अहम है ये शहर तो इसका कोई तो इतिहास ज़रूर होगा, क्योंकि इतिहास किसका नहीं होता। बस उस इतिहास को देखने के लिए हमारी आँखें और सुनने के लिए हमारे कान कितने समझदार हैं ये ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। इस वीडियो को आप YouTube पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी, जहां आपको जानकारी मिलेगी रेगुलर न्यूज अपडेट्स और आने वाली हमारी स्टोरीज की भी। बेहद ही कम सोर्सेस और डेटा होने के बावजूद भी द कॉर्ड की टीम ने सिलीगुड़ी के इतिहास को जानने की कोशिश की और ये पाया कि सिलीगुड़ी नाम के ओरिजिन को लेकर भी कुछ थ्योरीज, जिसमें से एक लेपचा भाषा के शब्द साली पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है बो यानी कि धनुष। वहीं एक ब्रिटिश राइटर ईसी डोजे अपनी किताब कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिंस 1835 में लिखते हैं कि सिलीगुड़ी शब्द महानंदा नदी के किनारों पर पाए जाने वाले पत्थरों से बना है। वे लिखते हैं कि सिलीगुड़ी दो शब्द सिल यानी पत्थर और गुड़ी यानी कि प्लेस से बना है। वहीं ऑथर सेलिन देवनाथ का ये मानना है कि सिलीगुड़ी का अर्थ होता है स्टैक ऑफ पेबल्स और स्टोन यानी पत्थरों का ढेर। सिमिलरली ये भी माना जाता है कि सिलीगुड़ी शब्द एक्चुअल में सिलगड़ी शब्द से बना है, जो कि नेपाली भाषी लोगों द्वारा कहा जाता है, जिसमें सिल का अर्थ पत्थर और गड़ी का अर्थ है लोकेशन। 19वीं सदी तक सिलीगुड़ी को सिलचागुड़ी और सिलखागुड़ी के नाम से जाना जाता था। सिलीगुड़ी पुराने वक्त में बैकुंठपुर के जंगलों का हिस्सा हुआ करता था। सिलखागुड़ी नाम वहाँ के एथनिक ट्राइब्स राजवंशी, जिन्हें कोच राजवंशी भी कहा जाता है, उनके द्वारा दिया गया नाम है। वहीं ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सिलचागुड़ी था जो कि 16वीं सदी में कोच साम्राज्य का हिस्सा था। सिलीगुड़ी के इतिहास को समझने के लिए इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला महानंदा नदी के वेस्ट और मेची नदी के ईस्ट के बीच का हिस्सा, जिसे एक वक्त पर सिक्किम मोरंग के नाम से जाना जाता था, और दूसरा भाग है महानंदा और फुलेश्वरी नदी के बीच का हिस्सा। महानंदा नदी सिलीगुड़ी सब डिवीजन को दो भागों में डिवाइड करती है और इन दोनों ही भागों के इतिहास भी अलग अलग है। मिडिवल इतिहास में ये दोनों ही हिस्से बंगाल की हुसैन शाही डायनेस्टी के अंडर आते थे। हुसैन शाह के बाद कोच राज बिश्वा सिंह और शिष्या सिंह महानंदा के पूर्वी हिस्से में अपना शासन स्थापित करते हैं, और ये तब होता है जब 1522 में कोच प्रिंस शिष्य सिंह ने भूटान और गौड़ के राजाओं को मात दी और इस रीजन को अपनी कैपिटल घोषित किया। राजधानी को बैकुंठपुर का नाम दिया गया। दार्जिलिंग के पहाड़ों का जो समतल हिस्सा है उसे दार्जिलिंग तराई क्षेत्र भी कहा जाता है, और यही पर बात आती है पूर्वी मोरंग की। 16वीं शताब्दी तक यह हिस्सा कोच राजाओं के साम्राज्य में था, यानी कि कोच बिहार राज्य में था, जिस पर शासन बैकुंठपुर से ही चलाया जाता था। हालांकि इस क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। 1642 में जब सिक्किम के छोग्याल फुनसुक नामग्याल ने सिक्किम की राजगद्दी संभाली तो पूर्वी मोरंग का हिस्सा सिक्किम के साम्राज्य में चला गया, यानी कि मेची नदी से महानंदा नदी तक का हिस्सा अब सिक्किम साम्राज्य के भूभाग में चला गया, जिस वजह से इसे सिक्किम तराई भी कहा जाने लगा।
इस एरिया के नॉर्दर्न हिस्से में अधिकतम दीमाल और मेच ट्राइब के लोग रहा करते थे और साउथ में राजवंशी लोग रहा करते थे। लेकिन इस रीजन को संभालने का दायित्व सिक्किम के छोग्याल ने लेपचा और भूटिया के बदले कूच बिहार के पूर्व कर्मचारियों को ही दिया था, जिसके लिए फांसी देवा में एक गवर्नमेंट ऑफिस बनाया गया था जहां से सिक्किम इस क्षेत्र का संचालन करता था। इन सभी हिस्सों में उस वक्त एक घना जंगल था जहां ट्राइबल कम्युनिटीज रहा करती थी। ब्रिटिश हिस्टोरियन विलियम विल्सन हंटर अपनी किताब स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में सिलीगुड़ी को अनइनहैबिटेबल बताते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां रहना पॉसिबल नहीं है। वहीं जोसेफ डाल्टन हुकर भी सिलीगुड़ी को एक डैम्प डार्क फॉरेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। फिर दौर आता है 1793 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदार और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट लाया जाता है लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए, जिसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कहा जाता है। बैकुंठपुर जमींदार एस्टेट के नाम से महानंदा और फुलेश्वरी नदी के बीच के भाग को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरी तरफ महानंदा और मेची के बीच का भाग बाद में जाकर सिलीगुड़ी सब डिविजन बनता है। परमानेंट सेटलमेंट के खत्म हो जाने के बाद इस रीजन को खास यानी कि गवर्नमेंट लैंड घोषित कर दिया जाता है। 10 साल बाद इसी गवर्नमेंट लैंड में टी प्लांटेशन को लेकर मंजूरी दी जाती है और 1862 में न्यू चुमटा टी एस्टेट और मतीगढ़ा टी एस्टेट इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और इसी साल से इंग्लिश टी प्लांटर्स बड़ी मात्रा में छोटा नागपुर रीजन से लोगों को चाय बगानों में काम करवाने के लिए तराई पर लेकर आते हैं। इसके बाद संथाली ट्राइब के लोगों को भी लाया जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे मुंडा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पॉपुलेशन वाइज देखें तो संथाल ट्राइब ग्रुप अधिकतम झारखंड में रहते हैं। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी कुछ संथाल कम्युनिटीज रहा करती है। 1878 से पहले कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी, तो ये सभी लोग पैदल ही यहाँ पहुँच जाते थे। सिलीगुड़ी के घने जंगलों को उनके द्वारा क्लियर करवाया जाता है ताकि टी प्लांटेशन शुरू किया जा सके। ये डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस सन 1900 तक चलता है। सबसे पहले मतीगाड़ा और प्रेजेंट मल्लागुड़ी के एरिया को क्लियर किया जाता है। सिलीगुड़ी पहले साल फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर इन्हें कटवा देते हैं ताकि रेलवे लाइन्स बिछाई जा सके। सैलेन देवनाथ लिखते हैं कि सिलीगुड़ी सिक्किम राज्य का सदर्न मोस्ट जोन था और ये ट्रांस मोरंग जोन यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मोरंग के मीटिंग पॉइंट में आता था। सिलीगुड़ी के साउथ में फांसी देवा में एक रिवर पोर्ट मौजूद था, जिसके जरिए मालदा और बंगाल के बाकी हिस्सों में एवं बिहार के साथ ट्रेड किया जाता था। भूटान और सिक्किम साम्राज्य के लोग भी इस पोर्ट को इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। 18वीं सदी में काफ़ी सालों तक सिलीगुड़ी सिक्किम किंगडम का हिस्सा होता है, जिस वजह से यहाँ कई किराती और लेपचा लोग भी रहा करते हैं। लेकिन सन 1788 में इसे नेपाल के राजाओं द्वारा कैप्चर किया जाता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई तो आप सभी ने सुनी ही होगी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं। यानी कानून किसी का भी हो, राज किसी का भी हो, लीगल हो या ना हो, ब्रिटिशर खुद को बंगाल के रूलर घोषित कर देते हैं। क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, तो वो नॉर्थ बंगाल और हिमालय रीजन्स के साम्राज्य जैसे कूच बिहार, सिक्किम, तिब्बत और भूटान के शासकों के साथ भी किसी न किसी तरह जुड़ जाती है। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि सिक्किम के अलावा नेपाल के राजा अपने राज्य को फैलाएं। उन्हें रोकने के लिए 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपालीज वॉर होती है, जिसमें नेपाल की हार होती है और सिक्किम के वो सभी हिस्से जहां नेपाल का राज था उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इस वॉर का अंत होता है 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ। फिर 1835 में दार्जिलिंग को ब्रिटिशर सिक्किम के छोग्याल से लीज पर लेते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए मिलिट्री रोड का निर्माण करवाते हैं। रास्ते में मुश्किल आने के कारण एक दूसरे रोड का निर्माण कराया जाता है, जिसे हिलकार्ट रोड कहा जाता है। अगर आप हिलकार्ट रोड की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो द हिस्ट्री ऑफ हिलकार्ट रोड देख सकते हैं, जहां हमें बेहद ही आसान भाषा में इतिहास को आपके सामने रखा है, जिसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जंगलों की कटाई तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी काफी एरिया फॉरेस्ट ही था
और ह्यूमन सेटलमेंट लगभग ना के बराबर थी। 1901 में सिलीगुड़ी की जनसंख्या केवल 168 बताई जाती है और यही पॉपुलेशन ब्रिटिश रूल के आखिरी दशक यानी 1940 के दशक में 10,000 पहुंच जाती है। हिस्टोरियन अजीजुल बिस्वास अपनी किताब सिलीगुड़ी रेर इतिहास में लिखते हैं कि 1870 तक सिलीगुड़ी की ज्यादातर पॉपुलेशन में सिर्फ ब्रिटिशर और इंडियन आर्मी के लोग थे, सिविलियंस बेहद ही कम थे। अब यहाँ पर एक रोचक सी बात आती है। 1848 में जब जोसेफ डाल्टन होकर सिलीगुड़ी से होकर गुजरे थे तो उन्होंने सिलीगुड़ी को एक मलेरियस बेल्ट यानी मलेरिया बुखार का घर बताया था। उस वक्त ब्रिटिशर सिलीगुड़ी को मलेरिया का गेटवे कहा करते थे। जब रेलवेज नहीं थी तब अंग्रेज सिलीगुड़ी से इतना डरते थे कि मच्छरों के फैटल जोन में रहना उन्हें रास नहीं आता था। चूंकि आबादी बिल्कुल कम थी तो उस कम आबादी में भी सिलीगुड़ी में जो प्राचीन समय से ही रह रहे थे वो मेज और धीमाल ट्राइब्स थी। मलेरिया की वजह से अंग्रेज तो डरते थे लेकिन इन ट्राइब्स के लिए मच्छर एक आम बात थी। 1870 में सिलीगुड़ी क्षेत्र में लगभग 28 फैमिलीज हुआ करती थी जो कि अपने स्पेयर टाइम में फिशिंग में वक्त दिया करती थी। 1891 तक तराई और सिलीगुड़ी सब डिवीजन की आबादी में 52% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी वक्त दार्जिलिंग की पॉपुलेशन में भी 138% की ग्रोथ होती है। धीरे धीरे सिलीगुड़ी में अन्य कम्युनिटीज के लोग भी पॉपुलेशन में बढ़ने लग जाते हैं, जैसे नेपाली, बिहारी, मरवाड़ी और ब्रिटिशर। इसी दौरान गवर्नमेंट लैंड्स पर यानी कि खास जमीनों पर भारी मात्रा में टी प्लांटेशन शुरू हो जाता है, जिस वजह से नेपाली पॉपुलेशन के माइग्रेशन में भी बहुत ज्यादा बदलाव होता है। एज अ रिजल्ट पहले से रह रहे लेपचाज माइनॉरिटी बन जाते हैं। 19वीं सदी में सिलीगुड़ी में रेलवेज का काम शुरू होता है। रेलवे के आने के ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और सिलीगुड़ी में दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी आने लग जाते हैं। एजे डैश का कहना है कि रेलवे कनेक्शंस की वजह से ही सिलीगुड़ी में बंगालीज, पंजाबीज, उड़ियाज, एंग्लो इंडियंस और चाइनीज लोग आने लग जाते हैं। भारत की अधिकतम क्षेत्रों से पहले ही सिलीगुड़ी में रेलवे आ चुकी थी, जिसका मुख्य कारण था 1880 तक दार्जिलिंग हिल्स और प्लेन एरिया में टी एस्टेट्स का एस्टैब्लिश हो जाना। चाय के साथ संतरे और साल की लकड़ियों का भी ट्रेड बढ़ने लग जाता है। एक और कारण था ब्रिटिशर का दार्जिलिंग से लगाव, जिस वजह से 1881 में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक नैरो गेज लाइन में टॉय ट्रेन चलाई जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिलीगुड़ी का अधिकतम हिस्सा रेलवे के ज्यूरिसडिक्शन में आता था। उसी वक्त रोड स्टेशन में नैरो गेज रेलवे लाइन का काम शुरू होता है। रोड स्टेशन आज वीनस मोड़ या हाशमी चौक के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को कलिम्पोंग के गेलखोला तक एक्सटेंड किया जाता है। सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग का प्रेजेंट डे रोड भी इसी रेलवे लाइन के अलाइनमेंट में बनाया गया है। किशनगंज सिलीगुड़ी नैरो गेज का भी काम 1915 में पंचनई जंक्शन स्टेशन से शुरू किया गया। किशनगंज पंचनई के नैरो गेज को 1949 में एक मीटर गेज में अपग्रेड किया गया और तब सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया। सन 1959 में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का काम शुरू हुआ, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए सबसे अहम रेलवे स्टेशन है। सिलीगुड़ी के पास जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में होने के कारण इसका नाम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रखा गया। ब्रिटिश इंडिया के वक्त से ही सिलीगुड़ी के साथ नेपाली भाषी लोगों का इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। सिलीगुड़ी की जगह जैसे प्रधाननगर, गुरुंग बस्ती, चंपासरी, दुर्गागढ़ी, मल्लागुड़ी, भानुनगर, मिलन मोड़, लिंबू बस्ती, शाहिद नगर, शास्त्री नगर, आश्रमपाड़ा, हैदरपाड़ा, सलुगाड़ा, मातीगाड़ा, कदमतला, तरीजोत, धीमाल जोत, बागडोगरा, अगम सिंह नगर, गांधी नगर जैसे एरियाज में ब्रिटिश एरा से ही नेपाली भाषी लोग रहा करते थे। वैसे नेपाली भाषियों का आना सिलीगुड़ी में रेलवेज के आने के साथ ही बढ़ता है। 1878 से ही जब रेलवे का काम शुरू होता है तब कई नेपाली भाषी लेबर के काम के लिए ब्रिटिशर द्वारा लाए जाते हैं, जिस वजह से हिलकाट रोड और सेवक रोड के दोनों तरफ नेपाली बस्तियां बन जाती है और उनके द्वारा छोटे होटल्स भी चलाए जाने लग जाते हैं। 1901 में सिलीगुड़ी को पहला पुलिस स्टेशन मिलता है। 1902 में महावीर स्थान में मुंगारा मिठाई की दुकान खोली जाती है और कहा जाता है कि वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर भी गए थे। 1907 में सिलीगुड़ी एक सब डिवीजन बनता है, यानी कि 1907 तक भी सिलीगुड़ी एक विलेज एरिया ही था। ये बात ओमाले के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से पता चलती है, जो लिखते हैं,
Siliguri is a village in the south of the Kaohsiung subdivision situated near the left bank of Mahanadi. Present day Siliguri ki territory Jalpaiguri aur Darjeeling district mein divided hai. Lekin tab ye sirf Jalpaiguri district ka hissa tha, jise ki British India mein 1869 mein banaya gaya tha. 1877 में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से 12 होल्डिंग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किए गए। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहले 3 डिविजन्स थे, जलपाईगुड़ी सदर, मालबजार और अलीपुरद्वार। 2014 में अलीपुरद्वार भी एक डिस्ट्रिक्ट बना, जिस वजह से जलपाईगुड़ी में सिर्फ 2 सब डिविजन्स रह गए। वहीं दार्जिलिंग में यहाँ 4 सब डिविजन्स हैं, दार्जिलिंग सदर, कर्शियोंग, मिरिक और सिलीगुड़ी। जब सिलीगुड़ी को एक सब डिविजन्स बनाया जाता है तब एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाता है। 1917 में सिलीगुड़ी में पहली बार स्ट्रीट लैंप्स इंस्टॉल किए जाते हैं। 1929 में हिलकाट रोड और स्टेशन फीडर रोड में बैम्बू पोल्स की हेल्प से स्ट्रीट लाइट्स का एक्सपेंशन किया जाता है। 1935 में पेट्रोमैक्स यानी लालटेन लगाए जाते हैं। 1920 से 21 के बीच सिलीगुड़ी में सबसे पहली लाइब्रेरी बनाई जाती है, जिसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, जो कि डीआई फंड बाजार के नॉर्थ ईस्ट में होती है। ये एक इवनिंग लाइब्रेरी होती है और इसके पहले लाइब्रेरियन जतेंद्रनाथ सिंघा और एडिटर बीरेंद्रनाथ रॉय होते हैं। वहीं 1921 से 1922 के बीच सिलीगुड़ी लोन ऑफिस और देशबंधु ऑफिस दो प्राइवेट ऑफिस खोले जाते हैं। ये ऑफिस रेल गेट की मस्जिद के पास खोलते हैं और उस वक्त तराई रीजन के अधिकतम किसान और जमींदार यहाँ से लोन लिया करते हैं। 1921 में सिलीगुड़ी में बस कुछ ही घर हुआ करते थे। ये घर अधिकतम हिलकाट रोड के दोनों तरफ महावीर स्थान, बाबूपाड़ा और मिलनपल्ली एरियाज में थे। इसके अलावा हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल और स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी। तिलक मैदान, जो कि आर्मी डिपार्टमेंट के लिए एक मेन फील्ड था, वो स्कूल बिल्डिंग के पीछे होता है। तिलक मैदान, जो कि स्पोर्ट्स के लिए बेहद मशहूर था, तिलक बहादुर छेत्री का होता है, जो कि आज कंचनजंगा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। स्कूल के सामने था सब डिविजनल ऑफिसर का बंगला। सब डिविजनल कोर्ट पोस्ट ऑफिस के पश्चिमी तरफ मौजूद था, लेकिन तब भी सिलीगुड़ी एक टाउन नहीं बना था। पहले अधिकतम जूट की मिल हुआ करती थी और हफ्ते में 2 बार गवर्नमेंट मार्केट लगाई जाती थी। 1926 में एक काली मंदिर बनाया जाता है, जिसे बनाने के पीछे मुकुंदा दास और अश्विनी कुमार दत्ता होते हैं। इसे आनंदमयी कालीबारी का नाम दिया जाता है। काली माँ की पूजा हर हिंदू बंगाली समुदाय के लोग किया करते हैं, तो ये मंदिर उस वक्त के बंगालीज के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। 1931 के बाद सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगती है। कई लोगों का मानना है कि यहीं से सिलीगुड़ी का अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण सिलीगुड़ी की रेलवे लाइन का नैरो से ब्रॉड गेज में कन्वर्जन भी है। धीरे धीरे बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से इसे सेकेंड कैलकटा भी कहा जाने लगा। 1933 के एंड तक सिलीगुड़ी में पहला होटल बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बाबूपाड़ा के विशेश्वर बासु द्वारा, जिसका नाम होता है बासु बोर्डिंग। कुछ दिनों बाद मिलनपल्ली में सचिन घोष द्वारा द डाइम होटल खोला जाता है। इस अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में ही नए रोड्स और ब्रिजेस भी बनने शुरू होते हैं। महानंदा ब्रिज को भी एक वुडन डेक से आयरन फ्रेम दिया जाता है और भारी मात्रा में नेपाल और बिहार से वर्कर्स आते हैं और एक नई क्लास का क्रिएशन होता है, ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। कितना आसान होता है ना जब रास्ते बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ऐसे ब्रिजेस जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम बनते हैं। ऐसा ही एक ब्रिज द क्वाड के लोगों में भी आपको दिखेगा, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र की दूरियों को आपके करीब लाना चाहते हैं। वैसे ये काम सिर्फ हम नहीं, कोई और भी करता है। ड्रीमलेंस प्रोडक्शंस, जो कि कई सालों से सिलीगुड़ी में भी कई वेडिंग कपल्स की दूरियों को एक खूबसूरत नज़दीकी में बदलते आ रहे हैं अपनी फोटोग्राफी और वेडिंग फिल्म के आर्ट से। वेडिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है ड्रीमलेंस प्रोडक्शन। सिर्फ वेडिंग ही नहीं, चाहे वो किसी भी जॉनरे की फोटोग्राफी हो, ड्रीमलेंस प्रोडक्शंस अपने क्लाइंट की उम्मीदों से भी बेहतर काम करके दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फोटोग्राफी और फिल्म मार्केट रिलेटेड प्रोजेक्ट की सर्विस, या फिर चाहते हैं कि आपकी और आपके हम सफर के बीच की कहानी को कैद करना, तो ड्रीम लेंस प्रोडक्शन को जरूर कंसिडर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लगभग 250 नेपाली परिवार के लोग बर्मा से आकर रहने लग जाते हैं, जिस वजह से उस स्थान को बर्मा बस्ती कहा जाने लगता है।
इस ही बर्मा बस्ती के एक रेसिडेंट विजय कुंवर के घर में 25 अगस्त 1963 में एक बैठक बुलाई जाती है और एक संस्था का उद्घाटन होता है जिसे आज देवकोटा संघ कहा जाता है। बर्मा बस्ती के घर एक आश्रम की तरह हुआ करते थे, जिस कारण उस जगह का नाम बाद में आश्रम पाड़ा रखा गया। धीरे धीरे बंगाली कम्युनिटी के लोग भी वहां आकर रहने लग जाते हैं और एक बंगाली शब्द पाकुड़, जो कि एक पेड़ होता है, उसके नाम पर इस जगह को पाकुड़तला कहा जाने लगता है। वैसे अब इस क्षेत्र में बर्मा के लोग बिल्कुल ना के बराबर हैं। 1948 में सबसे पहला टेलीफोन सिस्टम लाया जाता है। कम्युनिकेशन आसान होने के कारण सिलीगुड़ी और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाता है। 1948 के बाद से ही सिलीगुड़ी रेपिडली बढ़ने लग जाता है। कहा जाता है कि हिलकाट रोड में स्थित करशोंग मेडिकल स्टोर सिलीगुड़ी की पहली कॉन्क्रीटाइज्ड बिल्डिंग है। उस वक्त ईंटों का इस्तेमाल किया नहीं जाता था, सीमेंट को भी इंग्लैंड से मंगवाया जाता था, जिसका मूल्य लगभग 2 रुपये हुआ करता था। 1948 के बाद कोरोनेशन ब्रिज और जलपाईगुड़ी में मौजूद टीस्टा ब्रिज की वजह से सिलीगुड़ी और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाता है। फरक्का ब्रिज के बनने के बाद कोलकाता का सफ़र और भी आसान हो जाता है। 1949 में सिलीगुड़ी में म्यूनिसिपैलिटी का निर्माण किया जाता है और 1950 में इसे एक म्यूनिसिपल टाउन घोषित किया जाता है। पहला म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस हिलकाट रोड में बनाया जाता है, जो कि एक वुडन कंस्ट्रक्शन था। सबसे पहले चेयरमैन बनते हैं तब के सब डिविजनल ऑफिसर सचिंद्र मोहन गुहा और कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं जमींदार और समाज सेवी बागवीर गुरुंग, जो कि पूरे गुरुंग बस्ती एरिया के जमींदार होते हैं और उससे पहले ब्रिटिश आर्मी में भी थे। उसी तरह प्रधान नगर के जमींदार पुण्य प्रसाद प्रधान के नाम पर उस जगह का नाम भी पड़ा। वैसे ही नेपाली भाषी लोग लेबर के काम में तो अधिक थे ही, लेकिन रिसर्च के दौरान ऐसे कई गोरखाओं के नाम भी मिले जो इनकी ही तरह जमींदार और व्यापारी भी थे, जो कि एक गोरखा दुख निवारक सम्मेलन के सदस्य भी थे, जिससे ये पता चलता है कि सिलीगुड़ी के बड़े हिस्से इन्हीं लोगों के पास थे। प्रधान नगर में भी एक समाज सेवी रहा करते थे, कृष्ण हरि शर्मा ढुंगाना, जो कि बाकियों की तरह ही जमींदार और व्यापारी थे। उन्होंने वंदे हिमाचल अगरबत्ती कंपनी की शुरुआत की, जिस वजह से उस कंपनी के रास्ते को धूप कंपनी रोड भी कहा जाता है। वैसे ये कंपनी आज मौजूद नहीं है। 1952 में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो सिलीगुड़ी से विधायक बने जॉर्ज महाबट सुब्बा, जो कि सिलीगुड़ी के ही जमींदार और लकड़ियों के व्यापारी थे। 1952 में सिलीगुड़ी में 8 वार्ड्स होते हैं। तब तक कुछ कॉलोनीज भी बन जाती हैं जिन्हें पाड़ा कहा जाता है, जैसे बाबूपाड़ा, खालपाड़ा, देशबंधु पाड़ा, महानंदा पाड़ा, हकीम पाड़ा और आश्रम पाड़ा। इसके अलावा खुदीराम पल्ली और सुभाष पल्ली भी। और इसी साल एक बैंक भी खोला जाता है, वेस्ट बंगाल प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। 1952 तक सिलीगुड़ी में सिर्फ 2 ही रोड का नाम फेमस था, स्टेशन फीडर रोड और हिलकार्ट रोड, जिसे लोग मेन टाउन कहने लगे थे। एक रेलवे फुटओवर ब्रिज क्रॉस करने पर महावीर स्थान मार्केट आती थी, जहां कुछ स्टेशनरी स्टोर्स खोले गए थे। टाउन स्टेशन के पास एक होलसेल मार्केट और कुछ वेयरहाउस थे जहां आलू रखे जाते थे और इसे आलू पट्टी कहा जाता था। 1952 में ही सिलीगुड़ी को सबसे पहला सिनेमा हॉल भी मिला, बाय द नेम ऑफ मेघदूत सिनेमा हॉल। 1953 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को हिलकाट रोड से हटाया जाता है, क्योंकि ये मेन रोड बन चुका था और रेलवे लाइन रोड के फर्दर एक्सपेंशन में बाधा क्रिएट कर रही थी। 1953 तक हिलकाट रोड स्टेशन फीडर रोड के साथ बर्दवान रोड और सेवक रोड को भी पक्का किया जाता है। वैसे बर्दवान रोड में एक कच्ची सड़क पहले से ही थी, जिसे बर्दवान के महाराजा ने 1860 में दार्जिलिंग में आने के लिए बनवाया था। 28 सितंबर 1955 को पहली बार हॉस्पिटल, कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट और घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जोड़े जाते हैं। वैसे 1947 से 1951 के बीच जितने भी नए लोगों ने सिलीगुड़ी की तरफ पलायन किया, वे अधिकतम तराई रीजन की तरफ बस गए। लगभग 62% माइग्रेंट्स सिलीगुड़ी में आ चुके थे और इस माइग्रेशन की एक मुख्य वजह थी पार्टीशन के बाद के हिंदू मुस्लिम राइट। ईस्ट बंगाल, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना और बाद में जाकर बांग्लादेश, वहाँ हिंदू मुस्लिम रायट शुरू हुए। लगभग 5,258 रेफ्यूजीज को सिलीगुड़ी सब डिवीजन में रिलोकेट किया गया। 1947 से 1971 के बीच सिलीगुड़ी की माइग्रेंट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ट्राइबल ग्रुप राजवंशी माइनॉरिटी बन गए।
1961 में दार्जिलिंग की पॉपुलेशन में 35.9% का ग्रोथ हुआ, लेकिन सिलीगुड़ी सब डिवीजन की पॉपुलेशन 219,848 पहुंच गई। ट्रेड एक्सपेंशन की वजह से अलग अलग कम्युनिटी के लोग सिलीगुड़ी में आने लगे, जिस वजह से हिंदी बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी हुई। सन 1961 में सिलीगुड़ी के नज़दीकी गांव में 40,287 बिहारी लोग बस चुके थे। खरीबारी और नक्सलबाड़ी एरियाज में 90% से भी ज़्यादा लोग हिंदू थे। पूरे सिलीगुड़ी में लगभग 17.5% मुस्लिम पॉपुलेशन आ चुकी थी। लोग बांग्लादेश से तो आ ही रहे थे, लेकिन 1960 के बाद से गोरखालैंड मूवमेंट भी धीरे धीरे शुरू होने लगी, जिस वजह से नेपाली पॉपुलेशन भी सिलीगुड़ी में और अधिक बढ़ने लगी और सिलीगुड़ी एक ओवर क्राउडेड जगह बनने लगी। 1961 में सुभाषपल्ली में एक फूड एंड सप्लाई का गोडाउन, एक लंबर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री और एक वुड इंडस्ट्री की शुरुआत की जाती है। वहीं फुलेश्वरी नदी के पास एक नई जेल बनाने का कार्य शुरू होता है। फूड एंड सप्लाई गोडाउन से बागराकोट जेल की तरफ जाने वाले हिस्से को राणा बस्ती कहा जाता था, जिसका नाम राणा बस्ती के एक शख्स राणा बड़ा के नाम पर रखा जाता है। उनके कई छोटे छोटे घर होते हैं जिनमें वे नेपाली टीनेंट्स को रखा करते हैं, और वहीं एक बिहारी मूल के हरेंद्र शर्मा राणा बड़ा के साथ मिलकर गांधी मेमोरियल हिंदी प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करते हैं, जिसे वर्ष 1973 में सरकारी मान्यता मिल जाती है। 1964 में रतखोला में ज्ञानत सुंदरी लाइब्रेरी को बनाने का काम शुरू किया जाता है। 1965 में जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर के नल लगाए जाते हैं। हिलकाट रोड, सेवक रोड और बर्दवान रोड को एक्सटेंड किया जाता है और सिलीगुड़ी से कोलकाता तक रॉकेट बस सर्विसेज की शुरुआत की जाती है। 1965 में ही जलपाईगुड़ी में नए टीस्टा ब्रिज का उद्घाटन किया जाता है, जिसे सिलीगुड़ी से डुअर्स और असम तक ट्रैवल करने के लिए आसानी हो जाती है। साथ में महानंदा नदी पर बने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के पुराने ब्रिज को तोड़कर नया बनाया जाता है। वैसे 1968 से पहले सिलीगुड़ी के कंपैरिजन में जलपाईगुड़ी ज़्यादा डेवलप था। यहाँ तक कि कई तरह की दवाइयाँ जो सिलीगुड़ी में नहीं मिलती थी वो जलपाईगुड़ी में मिल जाया करती थी, लेकिन 1968 में एक बाढ़ आती है जिसकी वजह से जलपाईगुड़ी पूरे तरीके से तबाह हो जाता है और लोग सिलीगुड़ी शिफ्ट होने लग जाते हैं। और सिलीगुड़ी में फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, कालाबाजारी का। दरअसल बाढ़ की वजह से कई जगह फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है और कुछ लोकल बिजनेसमैन महंगे दामों में अनाज बेचने लग जाते हैं और इलीगली उन्हें नेपाल सप्लाई करने लग जाते हैं। लोगों की जनसंख्या बढ़ती ही जाती है और सिर्फ सिलीगुड़ी मेन टाउन में ही 1960 के अंत तक पॉपुलेशन 75,000 पहुँच जाती है। कई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी सिलीगुड़ी आने लगती है और सिलीगुड़ी सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग नज़दीक होने के कारण एक अच्छा मार्केट एरिया बन जाता है। सिलीगुड़ी और तिब्बत के बीच कलिम्पोंग के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड होने लग जाते हैं। ये ट्रेड रूट सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये ट्रेड रिलेशन इंडो चाइना वॉर की वजह से खत्म हो जाता है। धीरे धीरे सिलीगुड़ी एक बिजनेस एपिसेंटर बन जाता है और असम और ईस्टर्न बिहार के लोग भी यहाँ एक बेहतर मार्केट पाते हैं। 1971 में इंडेन कंपनी के सिलेंडर्स सिलीगुड़ी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उसी साल अगस्त में सबसे पहले ऑटो रिक्शाज भी चलाए जाते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप और ट्रांसपोर्ट और भी आसान हो जाता है। 1980 से SJDA सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी शुरुआत की जाती है। पश्चिम बंगाल में हिमुल मिल्क प्रोजेक्ट तेजी पकड़ता है और 1981 में सिलीगुड़ी के ही मल्लागुड़ी में एक काउ फीड प्लांट स्थापित किया जाता है। 1982 से म्यूनिसिपैलिटी द्वारा बिहारी कम्युनिटीज़ के लिए महानंदा घाट में छठ पूजा का आयोजन शुरू किया गया। इसी दौरान 1983 में प्यूरो द्वारा कई प्रोजेक्ट्स लिए गए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मंटूराम रोड, विवेकानंद रोड, फुलेश्वरी नदी पर ब्रिज, रविंद्र मंच, सुभाषपल्ली बाजार और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलीगुड़ी जंक्शन एरिया में टैक्स और बस स्टैंड। 1949 में जब सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई थी, तब म्यूनिसिपैलिटी का एरिया सिर्फ 15.54 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 1994 तक 41.9 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। फिर 1994 में ही सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी को भी अपग्रेड कर सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट दोनों को ही शामिल किया जाता है। SMC में 47 वार्ड्स हैं, जिसमें 14 जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं। 1989 से पहले सिलीगुड़ी सब डिवीजन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उस वक्त 3 हिल सब डिविजन्स थे, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्श्योंग, और एक प्लेन सब डिविजन सिलीगुड़ी, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे।
सन 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यानी DGHC का निर्माण हुआ, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ 1986 गोरखालैंड एजिटेशन लेड बाई सुभाष घिसी। DGHC के ज्यूरिसडिक्शन में 3 हिल सब डिविजन शामिल थे। 1989 में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के प्लेन्स यानी सिलीगुड़ी सब डिविजन के लिए सिलीगुड़ी महकुमा परिषद बनाया गया। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद एक्सक्लूसिवली बनाया गया, जिसका ज्यूरिसडिक्शन सिलीगुड़ी सब डिविजन के बॉर्डर्स तक फैला था। महकुमा परिषद के प्रथम चेयरपर्सन बने अनिल साहा, जिन्होंने अपना कार्यभार 15 साल तक संभाला। उनके बाद मनी थापा और पास्कल मिंज ने कार्यभार संभाला। 20वीं शताब्दी के अंत तक सिलीगुड़ी एक हॉटस्पॉट जगह बन चुकी थी, जहां रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, एक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, सब जेल और कुछ मॉडर्न ऑर्डिनरी दुकानें थी। उस ही सेंचुरी के आखिरी 6 दशकों में मिलिट्री कैंटोनमेंट्स भी फॉर्म किए जाते हैं, और फिर चांदमुनी टी गार्डन और आसपास के जंगलों को क्लियर करके बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम्स और मॉल्स बनाए जाते हैं, जैसे उत्तरायण, नेवटिया हेल्थ सेंटर और सिटी सेंटर। तो ये कहा जा सकता है कि सिलीगुड़ी का इतिहास बेशक बहुत प्राचीन ना हो, लेकिन जंगलों से एक डेवलपिंग शहर तक का सफ़र ऐसा रहा कि सिलीगुड़ी के कई बदलाव देखे, और आज भी कई बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से सिलीगुड़ी ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि इंडिया में भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुकी है। 2024 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिलीगुड़ी के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिलीगुड़ी को एक डेवलपिंग सिटी बनाने में यहाँ माइग्रेट होकर आए सभी कम्युनिटीज़ का हाथ है, फिर चाहे वो बंगाली, नेपाली, मारवाड़ी, बिहारी, पंजाबी, राजवंशी हो या और किसी भी कम्युनिटी को। और वैसे भी आप किस कम्युनिटी के हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि आप हर कम्युनिटी के साथ कितना मिल कर रहते हैं, कितनी एकता के साथ रहते हैं, क्योंकि जब आप एक होंगे तभी आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह की सही वैल्यू को समझेंगे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आप बता सकते हैं हमें कि आप उत्तर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किन टॉपिक्स पर द कॉर्ड की रिसर्च स्टोरी देखना चाहते हैं। इस स्टोरी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया।